तो चलिए आज हम सीखते हैं दिस दैट और दिस दोज का यूज हम कहाँ करते हैं। तो दिस दैट और दिस दोज, ये जो बेसिक इंग्लिश में सिखाए जाते हैं, सबसे पहले ये यही बेसिक्स यहीं से स्टार्टिंग की जाती है। किसी भी एक एकेडमिक सेशन का हो बच्चा या आपको कम्पिटेटिव में जाते हैं, तो इसका भी एक एडवांस लेवल से इसका यूज़ बताया जाते हैं। तो इस वीडियो में सारा चीज़ कवर करूँगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो फ्रेंड्स, जो दिस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है यह, और दैट का मतलब क्या होता है हुआ, और दिस का मतलब होता है यह सब, और दोज का मतलब होता है वह सब। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले दिस का। दिस का मतलब यह, जो यह वर्ड है यह, इसका यूज जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यह का मतलब कोई नज़दीक हो। जैसे यह मार्कर है, पेंसिल है मान लीजिए, तो यह एक पेंसिल है, यह एक मार्कर है। ठीक है, तो दिस इज अ मार्कर, यह मार्कर मेरे पास है, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ दिस का। और यही कह दे कि जैसे यही मार्कर मेरे से दूर है, कहीं किसी डिस्टेंस पर रखी है, जैसे कोई बुक है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ मार्कर। तो ये दिस का यूज नियरर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज करते हैं, और दैट का यूज होता है जो फार्दर होता है, जो वस्तु दूर होती है उसके लिए दैट का यूज करते हैं, और दिज का यूज ये दिस के प्लेस पे ही किया जाता है, लेकिन जो हमारी वस्तुएं होंगी वो बहुवचन के फॉर्म में होंगी, मींस प्लूरल फॉर्म में होंगी। जैसे ए दिस और दैट जो होता है ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर मींस ये जो दिस और दैट यूज होंगे किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वह एक वस्तु के लिए होंगे, वह एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होने वाले हैं, जो कि है सिंगुलर। और इसी का फॉर्म है दीज और दोज। दीज का फॉर्म प्लूरल फॉर्म में दीज हो जाता है, और दैट का हो जाता है दोज। अब ये जो दीज का यूज करेंगे, एक से अधिक वस्तु होंगी, जैसे यह सब, वह सब, यह सभी, वह सभी, तो ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे आप जानते ही हैं जो टेंस होता है, टेंस मींस होता है टाइम, समय। टेंस क्या होता है, थ्री फॉर्म में होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो इस समय चल रहा है, पास्ट जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर मीन्स जो इन कमिंग है, मतलब आने वाला है। तो हम जो दिस और दैट का यूज, दिस दोज का यूज पढ़ेंगे, तो तीनों फॉर्म में, तीनों टाइम में यूज करके देखेंगे कैसे यूज होता है और क्या क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, यह एक कलम है, यह एक कलम है। अब यह एक कलम, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पेन, यह कितने हैं, ओनली वन, एक। तो यहाँ पर जो यह शब्द है इसके लिए, और यह कलम बता रहे हैं नज़दीक है यह, तो इसके लिए दिस, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसके साथ, ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे स्पेशली, तो ये इसका, इसके साथ ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा, दिस। अब यहाँ पे ए पेन, दिस इज अ पेन। अब वो यही हो जाता, जैसे मान लीजिए हो जाता वह, वही पेन दूर है वह, तो यहाँ क्या हो जाता, दैट, दैट इज अ पेन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यह सब
कल में है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पेन है, ऑब्जेक्ट है मेरा, एक से अधिक हो गया, इसलिए यहाँ पे जो यह वर्ड है इसके लिए हम दिस का यूज ना करके दिस का प्लूरल फॉर्म दीज यूज करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा? दीज। अब इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ये क्या होगा? प्रेजेंट फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर नंबर में होता है, तो उसके लिए इज यूज करते हैं, और जो हमारा ये सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? आर। तो दीज आर, प्रेजेंट फॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं, दीज आर। अब देखिए फ्रेंड्स, पेन तो एक से अधिक है इसलिए इसका भी प्लूरल फॉर्म लिखना पड़ेगा, दीज आर पेन्स। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म में। अब मान लीजिए जैसे यह एक सेव है। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसको प्रेजेंट फॉर्म में अभी डिनोट किया। अब देखिए हम यह पास्ट फॉर्म लेते हैं, यह एक सेव था। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मेरा ओनली वन, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दिस। दिस अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा पास्ट फॉर्म में है, इसलिए दिस हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर के साथ वाज एन एप्पल। और इसी तरीके से हम इसमें यूज करते हैं, जैसे वे सभी गाये थी, तो क्या हो जाएगा? गाय एक से अधिक हो गई तो दोज। अब देखिए यहाँ पे वे मतलब दूर है ऑब्जेक्ट, इसलिए दीज का यूज ना करके दोज यूज करेंगे, दोज वे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पास्ट में यूज करते हैं प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब, एक वाज होता है, एक क्या होता है? वर, वेयर, जिसको बोलते हैं बहुत से लोग वेयर, और बहुत से लोग वर बोलते हैं। वेयर दोज वेयर काउज। अब काउज का एक गाय नहीं है, अधिक है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? काउज। गुड। अब देखिए हम फ्यूचर फॉर्म लेते हैं इसका। फ्यूचर फॉर्म मतलब जैसे वह एक किताब होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने फ्यूचर फॉर्म लिया, तो वहाँ के लिए एक ही ऑब्जेक्ट है मेरा, तो दैट। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे फ्यूचर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब? विल बी। दैट विल बी अ बुक। और दीज और दोज वाले सेक्शन में क्या यूज ले रहे हैं? चलिए ठीक है, हम ले रहे हैं वह सब कुर्सियां होंगी, ठीक है। अब वह सब के लिए यहां पे क्या यूज करेंगे? दोज। अब इसके लिए फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल बी चेयर्स। एक से अधिक चेयर हैं तो चेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये था तीनों टेंस में दिस दैट और दिस दोज का यूज कैसे करते हैं, और क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्म में, मीन्स सिंपल फॉर्म में। यदि इन्हीं के साथ नेगेटिव वर्ड आता है, नेगेटिव नहीं शब्द आता है, तो हमको जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज करना है। इसके नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं कैसे यूज करना है यदि नेगेटिव वर्ड आता है, तो उसके लिए चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल देता हूँ दिस और दैट। पहले हम कवर करेंगे दिस और दैट, फिर उसके बाद देखते हैं दिस एंड दोज। जैसे मान लीजिए यह एक हाथी है, यह एक हाथी है, ओके। अब इसको कैसे करेंगे? दिस
इज, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया अ एलिफेंट, दिस इज अ एलिफेंट, सिंपल सेंटेंस। यदि इसमें नेगेटिव वर्ड आता है, यह एक हाथी नहीं है, तो अब ये जो नेगेटिव वर्ड है, अब इसके लिए नॉट वर्ड कहाँ लिखेंगे, तो दिस इज नॉट अ एलिफेंट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट वर्ड पुट अप कर देंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा। जैसे और कोई सेंटेंस आता है, जैसे वह, चलिए हम यहाँ पे इसको पास्ट में कर लेते हैं, वह एक फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए वह एक राजा था, यहाँ पर आप वह की इंग्लिश दैट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि दिस और दैट जो होता है यह स्पेशली फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो यहाँ वह इंडिकेट कर रहा है एक पर्सन की ओर, तो वहाँ पर एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए वह की इंग्लिश दैट नहीं, क्योंकि यहाँ कोई वस्तु नहीं है, इसलिए यहाँ पे ही वाज अ किंग हो जाएगा, ओके इसलिए यहाँ पर हम दैट का यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे वह एक किताब नहीं था। अब देखिए इसको पास्ट में मैंने बनाया, यहाँ पे था है, पास्ट में कैसे करेंगे दैट, अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा वाज, अब नॉट दैट वाज नॉट अ बुक, दैट वाज नॉट अ बुक, ये जो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद नॉट लगा देंगे अ बुक, ठीक है। और इसी तरीके से मान लीजिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे यह फ्यूचर में ले रहे हैं, यह एक दरवाजा नहीं होगा, अब इसको कैसे करेंगे, दरवाजा एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ की इंग्लिश दिस हो जाएगी, दिस विल बी, तो यहाँ पे नॉट है तो विल के बाद नॉट यूज कर लेंगे, दिस विल नॉट बी अ डोर, विल नॉट बी जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, इसके बीच में पुट अप करेंगे नॉट, विल नॉट बी हो जाएगा, तो दिस विल नॉट बी अ डोर। इसी तरीके से इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यदि हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रागेटिव में इंट्रागेटिव जो वर्ड होते हैं क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये सब इंट्रागेटिव वर्ड होते हैं। जब ये सब आते हैं तो इसको कैसे करना है, पहला एग्जांपल जैसे एक इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले यह क्या सबसे पहले आता है, क्या पहले आता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद दिस, दैट, दीज, दोज, कुछ भी यूज कर लेंगे। उसके बाद यह दिस दैट है तो ए या एन आएगा, अदरवाइज दिस दोज है तो नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल में हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ सर्कल कर दिया, ये ऑप्शनल है दिस दैट के साथ, प्लस आपका कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है फिर क्वेश्चन मार्क लगा, ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। ये नॉट आता है इंट्रागेटिव सेंटेंस में, नॉट आता है तो हमको हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट अप करना है, ये हर एक टेंस हर एक यूज में वेरी करता है, इसलिए यहाँ पर हमको इस एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में जो यहाँ काम कर रहा है इसके बाद हमको यहाँ पे नॉट यूज कर लेना है,
यहाँ पर नॉट यूज कर लेना है सब्जेक्ट के बाद। अगर कोई इंट्रागेटिव वर्ड, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, क्या यह एक पंखा है, क्वेश्चन मार्क। अब इसके इसको कैसे करेंगे, अब क्या वर्ड जो है क्वेश्चन किया जा रहा है, ये सबसे पहले आता है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, इज लगेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, यह के साथ क्या लगेगा, इज, दिस, इसकी इंग्लिश दिस, ए फैन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि इसी में नॉट वर्ड आ रहा है, क्या यह एक पंखा नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया यह नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो इसके बाद एज ए सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, इसके बाद यहाँ नॉट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो इज दिस नॉट अ फैन, इज दिस नॉट अ फैन, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दीज दोज को मिला करके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस पर, जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या वे सभी कमरे हैं, क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे करेंगे, तो क्या वर्ड सबसे पहले आया इसलिए इसको हटाएंगे बाहर, इसलिए क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब वे सभी। अब यहाँ पर वे सभी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वस्तुएं दूर हैं, इसलिए यहाँ पे वे का दोज हो जाएगा, तो इसके पहले पहले आर लगा लेते हैं, आर दोज रूम्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि यही होता, क्या वे सभी कमरे नहीं हैं, क्या हो जाएगा, मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, आर दोज नॉट, यहाँ पे हमारा नॉट लग जाएगा, आर दोज नॉट रूम्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या यह सब मोबाइल नहीं थी, इसके लिए क्या पास्ट में आ गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यह सब हो गया, जो क्या होगा, किसका काम करेगा, यह सब मतलब दीज। अब दीज के लिए पास्ट में क्या लगेगा, वेयर या वर, तो वर दीज नॉट सब्जेक्ट के बाद, मैंने बताया सब्जेक्ट वर नॉट, वर दीज नॉट मोबाइल्स, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अब इसी तरीके से यदि हम दिस दैट दिस दोज को फ्यूचर में करना चाहें तो इसी तरीके से हो सकती हैं, क्या क्या वे पतंगे नहीं होंगी, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, क्या वर्ड इसकी इंग्लिश ना लिखना है, तो इसलिए अब हेल्पिंग वर्ब उठाना होगी, फ्यूचर में है, इसलिए इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग विल। अब देखिए फ्रेंड्स, जो विल बी होता है, विल बी साथ में, यह टोटल हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है, लेकिन जो मेन हेल्पिंग वर्ब के लिया जाता है विल को, और इसी तरीके से होता है सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, अब सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेरा हो गया, क्यों, क्योंकि ये इंटरगेटिव वर्ड है, और क्या प्रश्न किया जा रहा है, क्या सबसे पहले आया, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो विल सबसे पहले लिख दिया, विल के बाद सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, दोज वे यानी वह सब, वे सभी, दोज अभी लिखेंगे, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट वर्ड है, मैंने बताया नॉट वर्ड हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है उसके जस्ट बाद, विल दिस नॉट बी, विल दिस नॉट बी काइट्स, क्वेश्चन मार्क, एकदम इजी है, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया वैसे ही पुटअप करते जाएंगे तो सारा चीज़ आपका वैल्यू आता जाएगा। ये अब कुछ स्पेशल्स जो ट्रांसलेशन होते हैं दिस दैट से रिलेटेड, कुछ स्पेशल्स ट्रांसलेशन देख लेते हैं जो इस पर अलग से पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए
मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा, जैसे कह दिए यह एक लाल टोपी, यह एक लाल टोपी है, ठीक है। और इसी सेम यही एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यह टोपी लाल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के रूप में केवल आपका काम कर रहा है यह, जो डेमोन्स्ट्रेटिव ये प्रोनाउन है, यह दिस एंड दैट जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, क्योंकि यह एक किसी ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, इशारा करता है। तो यह एक लाल टोपी है, अब इसको कैसे करेंगे, तो यह तो सिंपल तरीके से दिस इज अ रेड कैप। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो रेड वर्ड आ गया, न्यू वर्ड आ गया, यहाँ पर यह क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि यह क्वालिटी बता रहा है कैप की, कैप क्या है, नाउन है। अब इसकी क्वालिटी बता रहा है कि जो कैप है मेरा कैसा है, रेड कलर का है, क्योंकि इसके कलर को बता रहा है। तो जब यह एडजेक्टिव से जुड़ा हो तो यहाँ पर इसके साथ ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है यह टोपी, इसके साथ पूरा ये सब्जेक्ट है, यह के साथ पूरा टोपी है, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए इसको सब्जेक्ट बना देंगे, दिस कैप, दिस कैप पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह के साथ टोपी जुड़ा है। यह जो मेरा ऑब्जेक्ट है यह वह और यह के साथ जुड़ा हो, यानी ज़्यादा जोर दिया जाए कि यह टोपी लाल है, यानी टोपी पे ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है, ज़ोरदार बनाया जा रहा है कि यह यही टोपी लाल है, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट काम करेगा, दिस कैप इज रेड, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा यह वह यह सब, ये सब के साथ ये जो मेरा ऑब्जेक्ट वस्तु है इसी के साथ एकदम जस्ट नज़दीक में सटा हुआ होकर एज ए सब्जेक्ट के रूप में बन के आता है सेंटेंस में। तो यह इसमें डिफरेंस था। अब लेते हैं अलग एग्जांपल, जैसे वह मेरी किताब है। अब वह मेरी किताब है और इसी का जस्ट एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे वह मेरी किताब है, अब यहां ले रहे हैं वह किताब मेरी है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अकेला है, दिस दैट जो है सिंगल है, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट है इससे दूर है, इसलिए वह मेरी किताब है सिंपल, मतलब कहा जा रहा है कोई भी बुक है, कोई भी, जैसे वहाँ पे ढेर सारी बुक है उसमें से एक की तरफ इशारा किया जा रहा है नॉर्मल तरीके से कि वह किताब मेरी है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है कि वह किताब, जैसे इसमें है वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है सिंपल ही, नो प्रेशर, नो कोई ऐसा जोरदार वाक्य बना के कहा जा रहा है कि जिससे कि उस पर प्रेशर पड़े, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि वह किताब मेरी, यानी वही किताब, कोई एक सिंगल की तरफ ज़्यादा जोरदार इशारा करके बताया जा रहा है, वही किताब, वह किताब मेरी है। तो इसमें यह देख लीजिए पूरा क्या काम करेगा, है पूरा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, हमको सब्जेक्ट जैसे इसमें यहाँ लिखा गया था ऐसे यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा। जैसे वह मेरी किताब है, यहाँ पर क्या होगा, दैट इज माई बुक, सिंपल दैट इज माई बुक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट बुक इज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मेरी की इंग्लिश माई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब जो माई आवर योर ये सब जो प्रोनाउन होते हैं, पोसेसिव जो प्रोनाउंस हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके ये पोसेसिव फॉर्म होते हैं, लेकिन जब हमारा पोसेसिव फॉर्म
और जैसे केस सिंगल अकेले आने लगे तो उसको ऐसे माई का क्या होता है, माइन, दैट बुक इज माइन, ये यूज करते हैं। इसी तरीके से और बाकी प्रोनाउंस है, जब मैं नेक्स्ट क्लास में या अगले आने वाले प्रोनाउन क्लास में मैं बताऊंगा तो सारा चीज़ क्लियर होगा। यहाँ पे अभी ट्रांसलेशन को लेकर मैं चल रहा हूँ कि धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ आने लगे। एग्जाम्पल है, जैसे ले लेते यह इस घर की खिड़की है। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो यह है दिस और इस जो वर्ड है दोनों की इंग्लिश क्या होता है, दिस। अब यहाँ पर क्या हम इस सेंटेंस में दोनों के लिए दिस यूज करने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे यूज करेंगे, तो दिस हमने अभी बताया, पहले सब्जेक्ट, फिर ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में है के लिए, दिस दैट के लिए ई जाता है, यदि यहाँ पे था होता तो वा जाता, यदि होगा तो विल भी आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे यह सब ये सब होता है, दिस दोज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्या हो जाता, आर हो जाता या तो वेयर हो जाता, और फ्यूचर में दिस दोज के साथ विल भी ही लगता है। तो दिस इज, देखिए यह है क्या, दिस इज इसको भी छोड़िए, दिस इज है क्या, दिस इज विंडो, खिड़की है, यहाँ खिड़की है, दिस इज विंडो ऑफ, दिस इज विंडो ऑफ दिस नहीं लिखेंगे यहां पर, बार बार एक ही सेंटेंस में दो बार दिस यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, द, दिस इज विंडो ऑफ द घर, घर की इंग्लिश क्या हो जाए, हाउस, ठीक है। दिस इज विंडो ऑफ दिस, सॉरी, दिस इज द विंडो ऑफ द हाउस। जब एक ही सेंटेंस में इस तरीके से आने लगे तो यह एक स्पेशल तरीके से किया जाता है। पर लेते हैं दिस दोस पर, जैसे वह सभी उस पेड़ की पत्तियां, इसमें चलिए नेगेटिव वर्ड डाल दे रहे हैं, नहीं है, प्रेजेंट में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे नहीं मान लीजिए पास्ट में ले रहते हैं, पत्तियां नहीं थी, ठीक है, वह सभी उस पेड़ की पत्तियां नहीं थी। अब देखिए वह सभी और उस आया, इसमें दो वर्ड, अब इसके लिए क्या है, वह के लिए दोज वेयर नॉट, अब लिप्स हो जाएगा, इसका लिप होता है लेकिन यहाँ पे प्लूरल है इसलिए क्या हो जाएगा, वी ई एस, लिप्स, दोज वेयर नॉट लिप्स, आप यहाँ पे उस दैट नहीं लगेगा, आप द ट्री, ठीक है, दोज वेयर नॉट लिप्स, आप द ट्री, क्लियर है।